अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का सबक सुन लीजिए। यह हज के मुतालिक पहला सबक है। जो हदीस पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब हाजी लब्बैक कहता है तो उसके साथ उसके दाएं और बाएं जो पत्थर, दरख्त, ढेले वगैरह होते हैं वो भी लब्बैक कहते हैं। और इसी तरह सिलसिले जमीन के मुंतहा तक ये सिलसिला चलता है। यह हदीस तिरमिजी शरीफ में है। इसलिए जितने भी हुज्जाज हैं इसका खास ख्याल रखें कि हज का एहराम बांधें या उमरे का एहराम बांधें। जब लब्बैक पढ़ी जाती है तो आसमानों से भी लब्बैक का जवाब आता है कि तेरे लब्बैक कबूल हो गई। लेकिन अगर एहराम जो है वो हराम माल का है या कमाई में हराम है या अल्लाह नाराज है तो जवाब आता है कि तेरे लब्बैक कबूल नहीं है, ला लब्बैक वला सादैक। इसीलिए उलमा जो है जब लब्बैक पढ़ते थे तो बहुत रोते थे कि कहीं वहाँ से ला लब्बैक का ऐलान न हो जाए। इसलिए इसका बहुत ख्याल रखें। एक बुजुर्ग मक्का मुकर्रमा में 70 बरस रहे और बराबर हज और उम्रे करते रहे। लेकिन जब भी वो हज या उमरे का एहराम बांधते और लब्बैक कहते तो जवाब ला लब्बैक मिलता, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है। एक मरतबा एक नौजवान ने उनके साथ ही एहराम बांधा और उनको जब ला लब्बैक का जवाब मिला तो उस नौजवान ने भी सुना तो वो कहने लगा, चाचा जान आपको तो ला लब्बैक कहा, यानी आपके लब्बैक कबूल नहीं है। कहने लगे कि बेटा तूने भी सुना? उसने कहा मैंने भी सुना है। इस पर शेख रो दिए और कहने लगे कि बेटा मैं तो 70 बरस से यही जवाब सुनता हूँ, 70 बरस से ला लब्बैक मैं सुन रहा हूँ। फिर उस नौजवान ने कहा कि जब आपके लब्बैक कबूल नहीं है तो आप इतनी मशक्कत हमेशा क्यों उठाते हैं? शेख ने कहा बेटा इसके सिवा और कौन सा दरवाजा है जिसको पकड़ लूं, और उसके सिवा और कौन मेरा है जिसके पास जाऊं। मेरा काम तो कोशिश करना है, वो चाहे रद्द करे या कबूल करे। बेटा गुलाम को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो इतनी बात की वजह से आका के दरवाजे को छोड़ दे। ये कहकर शेख रो पड़े, हत्ता के आंसू सीने तक बहने लगे। उसके बाद फिर लब्बैक कही, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जब ये लब्बैक कही तो फौरन आसमान से आवाज आई, हमने तेरी लब्बैक को कबूल कर लिया। और हम ऐसा ही करते हैं हर एक शख्स के साथ जो हमारे साथ हुस्न जन रखे, बखिलाफ उसके जो अपने ख्वाहिशात का इत्तिबा करे और हम पर उम्मीदें बांधे। जवान ने जब ये जवाब सुना कहने लगा, चचा तुमने भी ये जवाब सुना? शेख ये कहकर कि मैंने भी सुन लिया, इतने रोए कि चीखें निकल गई। खुलासा कलाम यह है, करने वाले अल्लाह है। इसलिए जितने भी हाजी आ रहे हैं बहुत एहतमाम के साथ लब्बैक पढ़ें और इस घर की हाजिरी को बहुत बड़ी सादतमंदी समझें। अगला सबक इंशाअल्लाह मैं कल दूंगा हज के मुताल्लिक। और हमारे यहाँ तहज्जुद का वक्त है। मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी हाजी हाजिर हुए हैं अल्लाह ताला हम सब के लब्बैक को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के हज को कबूल फरमाए। और जितने मुसलमान दुनिया में मर्द और औरतें हैं इनकी तमन्नाएं हैं हज करने की, कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हज करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, मर्द हो या औरतें हों, उनके लिए अल्लाह ताला इंतजाम फरमाए और क़यामत तक के आने वाली हमारी नस्लों को कुरान से और दीन से और हरमैन शरीफैन से जोड़ दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।